आजकल के दौर में डेटिंग ऐप्स काफी ज्यादा चलन में हैं। बहुत से देशों में लोग जीवन साथी की तलाश के लिए डेटिंग ऐप्स पर ही निर्भर रहते हैं। बिना उस शख्स के बारे में कुछ जाने लोग एक दूसरे के साथ डेटिंग करना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन आज के समय में किसी पर आंख बंद कर महज चैटिंग के आधार पर विश्वास करना कई बार मुश्किल में भी डाल सकता है। और ऐसी ही मुश्किल खड़ी हुई अमेरिका के अटलांटा में रहने वाली इस लड़की के साथ। इस लड़की ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने साथ हुआ पूरा वाक्या शेयर किया। चलिए आपको पूरी कहानी समझाते हैं। इस लड़की का नाम है ब्रिटनी। ये बहुत दिनों से अपने हमसफर की तलाश में थी। जब काफ़ी दिनों तक इसे कोई भी लड़का नहीं मिला तो इसे डेटिंग ऐप हिंस पर अपना अकाउंट बनाना पड़ा। डेटिंग ऐप के जरिए ब्रिटनी की पहचान वेन नाम के शख्स से हुई। फिर दोनों ने मिलने का प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक वेन डेट पर जाने के लिए ब्रिटनी को पिक करने अपनी सफ़ेद रंग की कार लेकर आया। दोनों डेट पर हाइड लाउंज गए, वहाँ खाना पीना हुआ। डेट के बाद जब ब्रिटनी ने बेन से कहा अब वो घर जाना चाहती है तो बेन ने उसे कार में बंद करके पीटा। कहा जितना इस डेट पर खर्च हुआ उस लायक न तुम थी ना ही ये डेट। इतना ही नहीं, उस पर बेन ने गन निकालकर ब्रिटनी को डराया भी। पूरा वाक्या लड़की ने अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर कर बताया कि कैसे लड़के ने अपनी कार में बंद करके उसे पीटा और ये तक कह दिया कि तुम पर जितना खर्च किया गया तुम उसके लायक नहीं। ब्रिटनी ने बताया कि बेन ने उसे कार में बंद करके उसके सिर, गाल, गले, जबड़ा, मुंह, हाथ सभी जगहों पर घूंसे मारे। वो मारते हुए लगातार बोल रहा था कि जितना तुमने खर्च कराया तुम उस लायक नहीं। इसके बाद उसने गन निकाली और ब्रिटनी की तरफ निशाना भी साधा और उसे मारने की धमकी भी दी। लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड बाहर आ गए और उन्हें देखकर बेन ने उसे कार से धक्का देकर बाहर गिरा दिया। इस पूरी वारदात के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने बेन की तस्वीर भी ली और वो तस्वीरें पुलिस को दे दी गई। फिलहाल पुलिस आरोपी बेन की खोज में लगी हुई है।